हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मधु किचन में फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम मधु किचन में बनाने जा रहे हैं उड़द चने दाल, वो भी पंजाबी तड़के के साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हमें उड़द चने की दाल के लिए चाहिए काली उड़द की दाल एक कटोरी, ये हमने ऐसे ले लिए। और इसमें डालने के लिए लेते हैं हम आधी कटोरी चना दाल। ये देखिए हमने इस तरह नाप लिया है, आप चाहे किसी भी चीज़ से नाप सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस दोनों दालों को एक बाउल में डालते हैं इन दोनों को, और अच्छे से इन्हें वॉश कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी धोने वाली चीज़ को हमें अच्छे से वॉश करके इसकी सारी पॉलिश उतार देनी है। इस तरीके से हम दो तीन बार पानी डालेंगे और इसे अच्छे से साफ पानी तक साफ करते रहेंगे। अब देखिए ये हमने इतना पानी डालकर सिर्फ 15 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दिया। अब देखिए फूल कर दुगनी हो चुकी है। अब हम इन्हें बॉयल कर लेंगे इस दाल को। बॉयल करने के लिए हम सबसे पहले कुकर चढ़ाएंगे। कुकर में हमने एक कटोरी उड़द की दाल और आधी कटोरी चना दाल लिए, तो इसमें हम डालेंगे 4.5 कटोरी पानी। इतना नाप बिल्कुल सही रहता है। इस तरीके से अगर आप दाल बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट दाल बनेगी, खिलवा बिल्कुल घुटे भी घी नहीं। अब देखिए हमने ये इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा हींग। हींग हमें पहले ही डाल देना चाहिए। और कुकर बंद करके हम इसमें 4 सीटी लगा देंगे। इतने हमारी दाल बॉईल होती है तो हम अब मसाला काट लेते हैं। इसके लिए हमने एक टमाटर, ऑनियन, हरी मिर्च 2 से 3 और कुछ गार्लिक के टुकड़े, ये हमने बारीक कट कर लिए हैं इस तरीके से, क्योंकि हम पंजाबी तड़का लगा रहे तो हमें बारीक बारीक इस तरीके से दर्रा ही काट लेना है। अब हम कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। इसमें हमने सबसे पहले डाला है 1 बड़ा चम्मच देसी घी का। और खड़े मसालों में मैंने जीरा, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च, मोटी इलायची, छोटी इलायची, आप चाहे तो इसमें लाल साबुत मिर्च भी डाल सकते हैं। और फिर हम इसे भूनने के बाद इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च और जो हमने गार्लिक के बारीक पीस करे थे वो, उन सबको डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। ये हमें इतना भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब देखिए भूनने की तादाद पे आ गए, कितनी अच्छी महक आ रही है। इस तरीके से जब ये पूरे ब्राउन हो जाए हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। बस और कुछ नहीं डालना है हमें इसमें, बस इतना ही डालेंगे। इतना ही मसाला काफ़ी है इसमें, क्योंकि हमने पहले मोटा मसाला भी काफ़ी डाल दिया इसमें। अब हम डालेंगे इसे मसाले को भुन जाने के बाद टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप करे हुए। इस तरीके से हम डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ 2-3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे, फिर ढककर 5 मिनट तक के लिए इसे छोड़ देंगे। अच्छे से ये जब तक मैश ना हो जाए जब तक हम इसे भूनते रहेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया। अब 4 मिनट ही हो पाए हैं तो ये भुनकर बिल्कुल अच्छा हो गया। हम इसे ऐसे पलटे की हेल्प से दबाते हुए अच्छे से भून लेंगे और तरी, ताकि इसकी जो ग्रेवी में कलर उभर कर आए और इसका जो टेस्ट भी है बहुत ही अच्छा निकल कर आए। अब देखिए अच्छे से हो गया। अब हम अपनी दाल देख रहे थे, देखो दाल भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, क्योंकि हमने बिल्कुल इसमें नाप के अनुसार पानी डाला था, बिल्कुल भी घुटी भी नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा बॉइल पानी डालकर और मसाला ऊपर से डाल देते हैं और इसमें सिर्फ एक बाउल लगाएंगे हम, हल्का सा पकाएंगे इसे थोड़ी सी और फिर हम सर्व करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरीके से हम सर्व करते हैं। अब ये हमारी दाल बिल्कुल अच्छे पक कर तैयार होगी। ऊपर से हम हल्का तड़का और डालेंगे, कुछ ऑनियन के पीस, ग्रीन चिली डालकर इसे सर्व करेंगे। आप चाहे तो ऊपर से इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इससे पहले ही हमने इसमें तड़का देसी घी से लगाया तो इसमें मक्खन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इस तरीके से अगर आप दाल बनाएंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छा कलर पाओगे, और जो भी इस दाल को खाएगा वो तारीफ भी करते रह जाएगा। अगर आपको मेरी पंजाबी तड़का उड़द चना दाल रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।